अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, हमारी ख़बर का उन्वान दुआ है। मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर की खानका अज़ीमिया मदरसा खलीलिया अम्बेटा में आज कोरोना वायरस के खात्मे के लिए एक दुआया मजलिस का इहतमाम किया गया है और इस मौके पर खानका के रूहे रवां और सरबरा मौलाना मोइनुद्दीन अम्बेटवी ने दुआ का अहतमाम किया है और हाज़रीन को मुख्तसर सा खिताब भी किया है। आपने इसमें दुआ की अहमियत के बारे में बताया है और जो लोग वफात पा चुके हैं उनके लिए ईसाल सवाब का भी अहतमाम किया गया है। ये दुआ या तकरीब मौलाना मोइनुद्दीन की दुआ पर ही ख़त्म हुई है। अब हम मौलाना मोइनुद्दीन साहब की दुआ ऑडियो की शक्ल में पेश कर रहे हैं, उसको आप सुने और आमीन कहते जाएं। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और बारगाह एसडी में आप भी नाम लिखा जाए। हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर ताकत नहीं है। हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, इस वबा को ख़त्म फरमा दीजिए। अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत करवा दीजिए। तेरे बोला कैसे कैसे तेरे नेक बंदे अल्लाह कैसे कैसे उलमा कैसे कैसे अल्लाह वाले इसने हमसे ले लिए हैं। ए मेरे बोला कितने उलमा बीमार पड़े हुए हैं अल्लाह, कितने नेक लोग इस वर्ष में मुबतला हो चुके हैं अल्लाह, कितने दर्दों फरकत दे चुके अल्लाह, सबकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दीजिए, सबको आला इल्मीन में जगह नसीब फरमा दीजिए मेरे मौला। और जो बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिरा नसीब फरमा दीजिए अल्लाह। हमारे कुछ दोस्तों के फ़ोन आए थे अल्लाह, वो भी दुआ के लिए कह रहे थे अल्लाह, उनको भी शिफा अता फरमा दीजिए, उनको भी शिफा अता फरमा दीजिए अल्लाह। जो अब फ़िलहाल ये बुखार वगैरह चल रहे हैं अल्लाह, बहुत सारे मुसलमान इसकी गिरफ्त में हैं अल्लाह, उन सबको शिफा अता फरमा दीजिए अल्लाह, शिफाओं की हवा चला दीजिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों की मदद फरमा दीजिए अल्लाह। कश्मीर अल्लाह हर तरफ मुसलमान परेशान है, फलस्तीन की बेटियां परेशान है, उनकी चादरें तार तार की जा रही हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है मेरे मौला, उनकी हिफाजत करवा दीजिए अल्लाह, उनकी हिफाजत करवा दीजिए, उनके मासूम मासूम बच्चे, उनके मासूम मासूम अल्लाह छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अल्लाह, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, रोटियों को तरस रहे हैं अल्लाह, उनकी रोटियों का इंतजाम फरमा दीजिए अल्लाह। जो हजरत यहाँ बैठे हुए हैं और जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को ख़त्म फरमा दीजिए, और जिसके दिल में जो भी जायज़ तमन्ना हो उसको पूरा फरमा दीजिए अल्लाह, उसे मांगना नहीं आता मांगना सिखा दीजिए अल्लाह, उसे मांगना नहीं आता मांगना सिखा दीजिए अल्लाह, हमारी दुआओं में असर पैदा फरमा दीजिए अल्लाह। इन लोगों के यहाँ आने को, हमारे यहाँ बैठने को, और तुझसे मांगने को, तेरा जिक्र करने को, तुझे याद करने को अल्लाह, ये सब कबूल फरमा लीजिए। हमारे रोज़ों को, हमारी तिलावत को, हमारी तरावीह को, सबको कबूल फरमा लीजिए। आने वाले जो अय्याम हैं उनकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा दीजिए, इस माह मुबारक की कदरदानी की तौफीक अता फरमा दीजिए मेरे मौला। क्या खबर फिर मिले ना मिले अल्लाह, ये साथ है, ये घड़ी है, ये प्यारे प्यारे लम्हात अल्लाह, फिर ये बरकतों वाले दिन, ये अजमतों वाले अय्याम फिर मिले ना मिले मेरे मौला। जितने बच्चे हैं इन्हें अच्छी तरह गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में कबूल फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम अजमाइन बिरहमतिक।